सत श्री अकाल, तुसी पीएन सीएन देख रहे हो। कैनेडा विच इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के स्पाउसल ओपन वर्क परमिट के बारे जो कैनेडा के इमीग्रेशन विभाग ने फैसला लिया तो उसके बारे जो ऐलान किया उस संबंधी अज एक विस्तार में जानकारी साझी की गई है। स्पाउसल ओपन वर्क परमिट किन्हां नूं मिलने ते किन्हां नूं नहीं, इस बारे होर ज़्यादा विस्तार विच ते स्पष्ट जानकारी साझी कर दी गई। आखिरकार जिवें कि 22 जनवरी 2024 तो बाद कैनेडा के इमीग्रेशन विभाग वालों हदायत ला दी गई इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की गिणती के उत्ते इंटरनेशनल स्टूडेंट प्रोग्राम के ही कई तब्दीलियां कर दी गई। इस ही जो इंटरनेशनल विद्यार्थियों के पति या पत्नी या उन्होंने पार्टनर ने उन्होंने कैनेडा ओपन वर्क परमिट जो मिलता स उस भी कई हदायत ला दी गई कि जो अंडर ग्रैजुएट जा कॉलेज प्रोग्राम्स वाले होंगे उन्होंने हुण स्पाउसल ओपन वर्क परमिट नहीं मिलेंगे। तो इस बारे 19 मार्च में दसिया गया कि जो पार्टनर ते स्पाउसिस ने इंटरनेशनल विद्यार्थियों के जेडे कि एलिजिबल होंगे स्पाउसल ओपन वर्क परमिट के लिए तो स्पोंसर कर सकेंगे, वो सिर्फ मास्टर डिग्री वाले या फिर डॉक्टरल डिग्री प्रोग्राम वाले होंगे जो यूनिवर्सिटी या पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूशन दे विच कैनेडा च पढ़ाई कर रहे होण। जिस दे लई कईआं नूं जो छोट है कि जिन्हां दे स्पाउस या पार्टनर ओपन वर्क परमिट दे उत्ते हजे भी आ सकदे ने अंडर ग्रैजुएट स्टूडेंट्स दे, ओह ने कि जो स्पाउस अंडर ग्रैजुएट स्टूडेंट्स दे जो प्रोफेशनल डिग्री प्रोग्राम्स दे विच पढ़ रहे होण यूनिवर्सिटीज़ दे विच, जिस संबंधी दस्या गया कि जेकर कोई डॉक्टरल ऑफ डेंटल सर्जरी यानी कि DDS या DMD कर रहा होवे, बैचलर ऑफ लॉ और जूरिस डॉक्टर यानी कि LLB JD या BCL कर रहा होवे, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन यानी कि MD की पढ़ाई कर रहा होवे, डॉक्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री यानी कि OD की पढ़ाई कर रहा होवे, फार्मेसी यानी कि फार्मडी BS BSc बी फार्म यह पढ़ाई कर रहा होवे, जां डॉक्टर ऑफ वैटरनरी मेडिसिन यानी कि DVM जां बैचलर ऑफ साइंस इन नर्सिंग यानी कि BSc NBSN BNSc जां बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी कि BEd, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग BEng BBASC यह पढ़ाई कर रहे हों जिहड़े इंटरनेशनल विद्यार्थी, उन्होंने जो स्पाउस ने वह हजे भी एलिजिबल होंगे, उन्होंने ओपन वर्क परमिट मिल सकता है, पर जो होर विद्यार्थी ने उन्होंने ओपन वर्क परमिट स्पाउसल नहीं मिलेगा, जिस संबंधी उन्होंने सबूत भी देना पवेगा कि जिहड़े जिन्होंने छोट है कि अपने स्पाउस में हजे भी ओपन वर्क परमिट के उत्ते बुला सकते हैं, उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट देने पैणगे इमीग्रेशन विभाग में ताकि वह सबूत दे सकन कि एनरोलमेंट उन्होंने अजिही डिग्री दे विच हैगी है जिसनों छोट मिली हुई है, जिस तरह इमीग्रेशन विभाग का कहना है कि वह वैलिड लैटर ऑफ असैप्टेंस कबूल सकते हैं जो उन्होंने DLI 2 मिलिया हुआ हो, ही प्रूफ ऑफ एनरोलमेंट लैटर जो कि उन्होंने स्पाउस के वास्ते उन्होंने वालों अपनी ट्रांसक्रिप्ट दिखाई जाएगियां कि वह पढ़ाई कर रहे हैं जिन्होंने छोट है कि अपने स्पाउस में ओपन वर्क परमिट के उत्ते बुला सकते हैं। इतने जिक्र योग है कि कैनेडा के इमीग्रेशन विभाग वालों जो ऐलान किया गया इंटरनेशनल विद्यार्थियों के उत्ते हदायत ला दी गई है कि जो कई इंटरनेशनल विद्यार्थी इस समय अपने हुण पति या पत्नी नूं ओपन वर्क परमिट के उत्ते नहीं बुला सकते पर हजे भी वह विजिटर वीज़ा जरूर अप्लाई कर सकते हैं जेकर उन्होंने मिलना चाहन, तो इस नाल ही होर भी कई राह होणगे कि तुसी अपने कंसल्टेंट दे नाल सलाह कर सकते हो जिहड़े कि RCIC तो सर्टिफाइड होण उन्होंने जो मशवरा लै सकते हो। तुसी इस तरह की उम्मीद है कि यह जानकारी थोड़े लिए मददगार साबित होगी। मैनूं दे इजाजत, सत श्री अकाल।